से अभी दोपहर का 2-2.5 बज रहा होगा। हाँ 2-2.5 बज रहा होगा। तो हम जा रहे हैं विगास मॉल, और विगास मॉल का मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, मैंने कभी नहीं डाला, एक साल होने को हो रहा है। और मैं इस एक साल के बीच में विगास मॉल नहीं गई हूँ, एक साल से पहले गई थी, वो भी 2-2.5 साल 2.5-3 साल हो जाते हैं। हाँ तो आज हम जा रहे हैं विगास मॉल, तो विगास मॉल का व्लॉग आएगा, तो आप देखना जो भी चीज़ें होंगी मैं सारी कैप्चर करूँगी वहाँ पे, जैसा भी होगा जितना भी होगा। विगास मॉल का बहुत ही नाम सुना है द्वारका में जो है, तो मूवी का पता नहीं है या नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा, बस हम फटाफट से अभी घर से निकल गए हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और विगास मॉल घुमाते हैं आप सबको। विकास मॉल में, और मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। उस टाइम मैंने गाड़ी में नहीं बताया था, बट भूल गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए। आई थिंक मैं नाम सही बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग करते टाइम मेरा नाम ही मेरे दिमाग से निकल गया, मूवी मतलब देखने गए थे उस टाइम। तो वॉइस तो बाद में जब एडिटिंग करते ही टाइम डालते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते, इतना तो मैं घूमी नहीं हूँ, नहीं पता है, बट बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। सो यहाँ हम ऑडी के अंदर एंटर कर रहे हैं मूवी देखने के लिए, और ये मुझे गुस्सा कर रहे थे कि यहाँ पर मत शूट करो, यहाँ पे फ़ोन छीन लेंगे, तोड़ देंगे, तो डरा रहे थे मेरे को, पता नहीं अब ऐसा सच में भी होता होगा, तो मतलब इनको होता है थोड़ा सा फील होता है, अब मेरे को तो आदत हो गई है इसलिए। आ गए हैं मूवी देखने, देखी ब्रह्मास्त्र, अच्छी मूवी है, पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 आएगा कब आएगा पता नहीं। यहाँ हम आ गए हैं कि गेमिंग स्टोर के अंदर, जहाँ कि आपको बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब खेलने के लिए गेमिंग जो एक तरह के गेम होते हैं यहाँ खेलने के लिए, आई थिंक मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं, तो तरह तरह की एक्टिविटी मिलेगी आपको बच्चों के लिए। जो लोग यहाँ विगास मॉल के बारे में जानते हैं उनके लिए तो अच्छा ही, वो लोग लाते भी होंगे, पर जिनको नहीं पता है दिल्ली के अंदर द्वारका में ये विगास मॉल है, और बच्चों के लिए विगास मॉल तो सबसे अच्छी जगह है। विगास मॉल के अंदर जो ये एक्टिविटी होती है, यहाँ पर गेम खेलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, मतलब पूरा दिन लग जाएगा। तो ये वाले जो गेम है ना, मेरे पति देव ने मेरे को शादी से पहले बहुत सारी टॉयस वगैरह जीत के दिए थे, मतलब बहुत ही, मतलब इतने सारे 6-6 7-7 एक साथ में निकाल लेते थे, तो बहुत मज़ा आता है मतलब इसको खेलने में। तो बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा इन्जॉयमेंट होगा उनका, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ झूले वगैरह एक्टिविटी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और मेरा मानना है कि बच्चों का बर्थडे अगर बनाना हो ना तो यहीं बनाओ, उनके लिए सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ होगी, और ये बेस्ट मोमेंट होगा उनके लिए, बहुत खुश रहेंगे। तो मैंने भी सोचा, आप लोग भी सोचना, और विकास मॉल में बच्चों को यहाँ बर्थडे बनाने के लिए ज़रूर। हम आ गए हैं अभी खाने के लिए, और हमारा आ गया बर्गर और कोल्ड, और इसको खा पी के हम निकलते हैं फिर घर के लिए, और अभी का मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ शोर होता है तो मैं नहीं बता पाऊँगी, गाड़ी में बताऊंगी थोड़ा बहुत, या फिर घर पे बताऊंगी। तो सभी पहले खाते हैं, इसके बाद
उसके बाद हम जा रहे हैं अभी स्पार में, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमें लेना है घर का कुछ राशन, यानी कि ग्रोसरी का कुछ सामान लेना है। टाइम नहीं मिल रहा था तो आज हमने सोचा कि चलो आज ही ले लेते हैं यहाँ पे। और बहुत ही हम जा रहे हैं स्पार सामान लेने के लिए घर पे, ग्रोसरी का सामान, टाइम मिल रहा था तो आज ही जा रहे हैं। स्पार में सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलता है और कंपनी मतलब और जो ब्रांड जो स्टोर हैं होते हैं स्टोर आउटलेट स्टोर वहाँ से सबसे ज़्यादा सस्ता स्पार में मिलता है। मैं बता दूँ तो स्पार में सबसे सस्ता मिलता है, विशाल हो ये किसान मार्ट हो जितने भी मार्ट होते हैं उनसे सबसे सस्ता मिलता है स्पार में। चल हम चलते हैं लेने के लिए सामान ग्रोसरी का। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं ना, अजीब लग रहा है बहुत ज़्यादा। जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, ये सामान हमें रखना है गाड़ी में और हमें रास्ता नहीं मिल रहा है कि हमें कैसे जाना है। तो हम निकलते हैं घर को और टाइम हो गया है और हमें रुकना है रास्ते में लॉन्च बेकरी में। तो बेकरी में हमें केक नहीं लेना है, हमें वहाँ से लेनी है पेटीज़, क्योंकि वहाँ की पेटीज़ बड़ी ही अच्छी होती है, टेस्टी होती है। सो आई होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बच्चों के लिए अच्छी जगह है, आप घूमने के लिए ज़रूर आना, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, सी यू सून।